हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुलुम्बा एंड नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया है और मैं भी बढ़िया हूँ। तो हम लोग उडालगुर से निकल चुका है, मिलता दिल लोग भी आ चुका है। अभी हम लोग भैरव कुंड जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। चर्च खासीबाड़ी का बैप्टिस्ट चर्च, तो देख सकते हैं बहुत सुंदर है। यहाँ से रौटा जाता है और यहाँ से भैरव कुंड, यहाँ से हम लोग जाएगा। और आप लोग ये देख सकते हैं, ये मार्केट को टिनियाली बोलते हैं। यहाँ पे वीकली मार्केट होते हैं थर्सडे में शायद, और भूटान का लोग भी यहाँ पे आके शॉपिंग वोपिंग करते हैं क्योंकि भूटान का बहुत सामने होता है और भूटान का पैसा भी चलता है यहाँ पे। मेरा आंटी का घर मतलब भैरव कुंड में था, तो हम लोग को यहाँ पे हमेशा घुमाने लेके आता था टिनियाली में। तो यहाँ पे बस एक ही गाड़ी जा सकते है, और यहाँ देखो पूरा सूखा सूखा। यहाँ ब्रिज बना रहे बड़ा वाला, अभी तक नहीं हुआ। और आप लोग ये देख सकते हैं जैसे तैसे, मतलब जैसे तैसे। देखो भैरव कुंड पहुँच ही गया। दीदी लोग आ रहे पीछे, और यहाँ से सीधा जान से भैरव कुंड पिकनिक स्पॉट मिलता है जहाँ स्विस गेट है, और यहाँ से भूटान। हम लोग भूटान जाएगा पहले, पता नहीं हम लोग घुसने देगा कि नहीं, बस कुछ के देखते हैं। और घुसने देगा तो आप लोग को दिखाएगा भूटान। अभी हम लोग जा सकते हैं भूटान का अंदर। टोकन मिल गया, अभी हम लोग दूसरा कंट्री में जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है। दूसरा कंट्री में जाने के लिए अजीब लग रहा है। ये देखो एक ऊपर विजिटिंग इंडिया कमांडो गर्ल घुसने वाला है फाइनली आफ्टर कोविड-19। वी आर एंटरिंग अगेन भूटान, नाइवर कंट्री। ये देख सकते हैं आप लोग भूटान, और ये मेन गेट है भूटान का। हम लोग को घुसने नहीं दिया। हम लोग फिर जा रहे हैं अभी, वो लोग को मतलब फोटो था लेकिन फोटो नहीं चलेगा बोलते। हम लोग जाने ही नहीं मिला इसलिए फिर वापस आ गया। हम लोग अभी जाएगा सामने में घूमेगा भैरव कुंड में। यहाँ से स्ट्रेट जाने से भैरव कुंड पिकनिक स्पॉट मिलता है, हम लोग थोड़ा बाद में जाएंगे। और यहाँ से राइट में घुसने से एक नया रिजॉर्ट बनाया है सुना है, तो वही हम लोग देखने जाएगा अभी। और हम लोग को भूटान में घुसने नहीं मिला क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आया था, फ़ोन में था डॉक्यूमेंट्स, पर वो लोग मतलब छो के देखते हैं, मतलब पकड़ के, इसलिए हम लोग को जाने नहीं मिला भूटान। और अगर आप लोग भूटान घूमने आएगा तो आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आइएगा क्योंकि फ़ोन का वो लोग नहीं देखते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, रिजॉर्ट हम लोग पहुंचने वाला है, यहाँ से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देखते जाइए। छोटा सा मतलब नया रिजॉर्ट बनाया है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसलिए यहाँ कुछ नहीं है अभी, बस यहाँ आई लव भैरव कुंड है। कॉफी पिएगा अभी हम लोग गरम गरम क्योंकि मौसम पूरा बारिश आ रहा है। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम भी है, पर यहाँ मौसम बहुत खराब है, बारिश आ रहा है, तो हम लोग कॉफी पिएगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ये मेरा दोस्त है, ये बड़ा हाथी और मैं छोटा। ऐसा लग रहा है दीदी बहन जैसा लग रहा है कि नहीं, भैया बहन।
और दुकान का ओनर है वो बताया यहाँ मतलब 150 बीघा मतलब मिट्टी ऑलरेडी ले चुका है एक ही ओनर। उसके बाद अभी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम देखते हैं क्योंकि लंबा है ना तो इसलिए कम देखते हैं, लेकिन यहाँ अभी मतलब 35 को अभी यूज़ कर रहे हैं मतलब बना रहे आस्ते आस्ते से और बाद में होगा। मतलब 2 साल जैसे के बाद सब कुछ हो जाएगा। I love you, no. अभी हम लोग फिर स्विस के साथ जाएंगे। ये क्या चिड़िया बोलता है इसको? सुंदर ही बनाया है पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बस वही है। जब कंप्लीट होगा तो बहुत सुंदर होगा। जब यहाँ पे ट्री हाउस भी है यहाँ से उड़ना चल भी जाते हैं। अभी हम लोग अरुणाचल घुस चुका है यहाँ से वीरकुंड होके, ये खलकता होके जाते ना, ये खलकता वाला रोड है वीरकुंड होके अरुणाचल जाने वाला। सब देख सकते हैं ये एंट्री है, ये देख सकते हैं, देखो रास्ता 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 ये देखो और ये देख सकते हैं मम्मी का दीदी को, देखो छतरी लेके वीडियो कर रहा है क्योंकि उसके कैमरा में पानी आ जाएगा उसके डर से। और आप लोग देख सकते हैं ये कितना सुंदर व्यू है, वाओ वो देखो कितना फोगी अरुणाचल घुस गया मतलब ये सब देखिए, वाओ देखो कितना सुंदर है। हाँ देखो अरुणाचल का व्यू, ये देखो ये नया पिकनिक स्पॉट बन गया लैंडस्लाइड होने के बाद, मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था ना रास्ता, मतलब यहाँ से नहीं था थोड़ा सा वो था, मतलब वो दूसरा साइड में था तो पूरा लैंडस्लाइड से वो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से रास्ता निकाल दिया अरुणाचल जाने के लिए। बालीमू थोड़ा और इतना भी दूर नहीं, और बालीमू ना सामने ही है बालीमू, ये देख सकते हैं नया पिकनिक स्पॉट। देख सकते हैं आप लोग रोड का कंडीशन कैसे हो के बैठा है, मतलब अरुणाचल जाने वाला खलकता हो के। ये देखो ये ऊपर से था मेन रास्ता जो, और ये पूरा लैंडस्लाइड की वजह से मतलब ऐसा हो गया, मतलब टूटा फूटा हो गया रास्ता। और हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिज, आप लोग देख सकते हैं, देखो Oh
रास्ता ही जंगल हो गया, हम जा सकते हैं। ये देखो, पता नहीं जा सकता है कि नहीं, ऐसे किससे पूछे भी सकते, तो ये हैंगिंग ब्रिज था और यहाँ तो पूरा सब्जी उब्जी लग गया। ये देख सकते हैं आप लोग, पम्पकिन का गच्ची भी हो गया, ये ख़राब हो गया शायद, तो हम लोग को मत जाओ बोल रहे। हैंगिंग ब्रिज में तो जा नहीं पाया, सो यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा देखते हैं। देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, हेलमेट लगा के घूमना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हेलमेट निकाल देगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएगा यहाँ से जाके, तो हम लोग हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये ब्रिज, ये है हैंगिंग ब्रिज, पहले ज़माना का था, मतलब आप लोग यहाँ से आना जाना करता था गांव से, ये ब्रिज नहीं था ये वाला ब्रिज, तो ये वाला आपको यूज़ करता था। और अभी ये ब्रिज ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, ये ब्रिज ख़राब हो चुका है, तो अभी यहाँ से अभी लोग आना जाना। ये देखो यहाँ पे खलकतांग का मंदिर है, मेरा फ़ोन नहीं दिख रहा अच्छे से क्लियरली। अभी हमने यहाँ से रिटर्न होगा, तो चला के पहले अभी हम लोग जाएगा। थैंक यू, देख सकते हैं हम लोग और यहाँ से था भूटान और यहाँ से उदालगुड़ी। अभी हम लोग उदालगुड़ी जा रहे हैं, सो आप लोग देखते जाइए हम लोग अभी। और ये उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का नवोदया स्कूल है, आप लोग उदालगुड़ी से वैरकुंड जाएगा तो आप लोग को रास्ता में दिखेगा ये।